वाराणसी में शुक्रवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 22 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 13 मरीजों को छुट्टी मिली है, वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,216 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,140 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 63 है। कितने का रहा होगा? अरे 20 ग्राम है, लगभग 80-90 हज़ार। मोटरसाइकिल से था। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत शुक्लपुरा मोहल्ले में रहकर मेडिकल नीट की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय नितेश मिश्रा की मंगलवार की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नितेश प्रतापगढ़ के कोतवाली पट्टी थाना क्षेत्र के शेखपुरा अटगवाओं का मूल निवासी था। वो शुक्लपुरा में किराए का कमरा लेकर मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। नितेश प्रतापगढ़ के पत्रकार रविंद्र कुमार मिश्र का भतीजा है। आरोप है कि पत्रकार रविंद्र शुक्रवार को हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर लेकर भेलूपुर थाने गए थे, तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और इंस्पेक्टर ने उनके साथ अशोभनीय व्यवहार भी किया। लंका थाना क्षेत्र के नरिया इलाके में बुधवार की शाम मिले माँ बेटी के शव के मामले में पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस को अभी तक इस संबंध में कोई भी तहरीर नहीं मिली है। इस दौरान शुक्रवार की सुबह पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक एक पॉइंट्स को देखा और मकान में आने वाले बगल के रास्ते को भी देखा। पुलिस कमिश्नर ने इस दौरान माथतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने इस दौरान संदिग्ध मानकर कस्टडी में लिए गए मृतिका सुनीता पांडे के बेटे से की गई पूछताछ के विवरण की भी जानकारी ली। सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों में शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल के दौरान कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। मलदिया स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय पर ज्वाइंट फोरम वेज रिवीजन जो है वो ड्यू हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा 2017 का ही वेज रिवीजन नहीं हुआ, जबकि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC का हो गया, लेकिन अभी हम लोगों का वित्त संशोधन नहीं हुआ। इसलिए हमारी मांग है कि ये हमारा वित्त संशोधन जल्द से जल्द इसको किया जाए। राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा रैंकिंग के ओवरऑल सेक्शन में BHU ने इस बार 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT BHU ने 29वीं रैंक हासिल की है। वहीं विश्वविद्यालयों की श्रेणी में BHU ने 6वां स्थान हासिल किया है। शुक्रवार की दोपहर संस्था की ओर से रिपोर्ट जारी होने के बाद से ही BHU चर्चा में है। वहीं छात्रों को और बेहतर रैंकिंग की उम्मीद थी। शोध छात्र पतंजलि ने कहा कि विश्वविद्यालय फाइनेंशियल विषयों पर ज्यादा ध्यान देकर एकेडमिक विषयों पर कम ध्यान दे रहा है। नए कुलपति भी फंड रेज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। गंगा में ओवरलोड या बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार न करने के लिए अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य के सख्त निर्देश के बाद भी नाविक लापरवाही करते दिख रहे हैं। एक दिन पहले मिले निर्देश के बाद भी नाविक क्षमता से अधिक बिना लाइफ जैकेट के नावों को भरकर नौका विहार कराते देखे गए। एक दिन पहले ही ललिता घाट पर नाव ओवरलोड होने से नाव में बीच में आएगा 15-20 दिन के तो यात्री बढ़ जाते हैं। कुछ नाव चालक चंद पैसों खातिर के लिए ओवरलोडिंग चला रहे हैं। अभी कल की घटना बड़ी घटना थी, बार बार टली बहुत सारे में तो कुछ है इसे इसे सब तो ऐसे नहीं, लेकिन इक्का दुक्का है इसे जो गलती करते हैं, इसकी वजह सबको करना पड़ता है।
क्या ये गलत है कि सही है कि ओवरलोडिंग चल रही है? नहीं, गलत तो गलत है, सही तो सही है, सब ओवरलोडिंग नहीं करते, इक्का दुक्का है, ऐसे बोल तो रहे हैं। और कुछ लोग बताते हैं कि प्रशासन पैसा देते हैं हमें, ऐसा कोई बात नहीं है। जिले के 45 केंद्रों पर आज से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन यानी 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर 12 लाख से अधिक लोगों को ये डोज लगाया जाएगा। कबीर चौरा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में सुबह 10 बजे से ही लोग प्रिकॉशनरी डोज लगवाने के लिए। ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू स्थल पर गंदगी करने और बयानबाजी से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना को आहत करने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान वादी पक्ष की तरफ से बताया गया कि इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आरपी सिंह अत्यधिक बीमार हैं, इसलिए वो आज उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में 2 अगस्त की डेट दी है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू स्थल पर गंदगी फैलाने और बयानबाजी से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM के प्रमुख ओवैसी समेत शहर काजी मौलवी समेत 2000 पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में शुक्रवार को वादी संख्या 2 और 5 तक की दलीलें आज पूरी हो गई। आज हरिशंकर जैन के साथ कोर्ट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि मुस्लिम साइड उस स्थान को ज्ञानवापी मस्जिद साबित करने में फेल हो गया है। जल्द है वहां नमाज पढ़ना भी बंद होगा और पूरे देश से हिंदू वहां आकर पूजा करेंगे। उन्होंने बताया कि हम सोमवार को एक एप्लीकेशन कोर्ट में देंगे कि मीडिया को एक दिन के लिए ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी की अनुमति दी जाए, क्योंकि मीडिया के पास उन्नत किस्म के कैमरे हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है अगर एक दिन वहां मीडिया अलाउ हो जाएगा तो अपने आप झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा। एक सवाल और, आपने कहा कि मंडे को हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वो एसआई के लिए करेंगे या किसी अन्य चीज? मंडे के लिए हम जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे मीडिया अलाउ कराने के लिए करेंगे। एसआई के लिए नहीं? एसआई के लिए, वो मेंटेनेबिलिटी के बाद। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।